दलित, बोरवेल, कोई वोट हमारी मांगे, हमारी मांगे, कोई वोट हमारी मांगे। ये कौन है? किन्हें आज बुलाया ना? हरी बनाओ, हरी बनाओ। आप बोलोगे? आ जाओ आगे। करहुला इधर बैनर के इधर आओ। बस 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 उपेन चलो चलिए ऑल इंडिया को करने आए हैं। पिछले 30 साल से कश्मीरी माइग्रेंट्स जो जम्मू और जम्मू के बाहर रह रहे हैं, उनकी जो मांगे थी वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। पिछले 30 साल से हम ऐसे ही धरना और आप जैसे साथियों का सहारा लेके गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही हैं। आज जम्मू कश्मीर यूटी में ऑनरेबल गवर्नर सिन्हा साहब है, बहुत बार हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, वो जगती कैंप में भी आए थे, उनके सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स हमने पेश किया था, लेकिन आज तक उसका रिड्रेसल नहीं हुआ है। हम सर चाहते हैं माइग्रेंटों के जिस घर में कोई एम्प्लॉई नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसको एम्प्लॉयमेंट दे दो और वो रिहैबिलिटेट होगा कश्मीर में वापस। आज तक जितने भी 90 से आज तक जितने भी ओवर एज हुए हैं, मानो कि मैं 20-22 साल का था जब 99 में हम यहाँ आए थे, आज मैं 53 ईयर्स ओल्ड है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा आज तक कुछ नहीं इन्होंने सोचा है। ऐसे 16,000 ओवर एज यूथ हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको एक लोन पैकेज दिया जाएगा, उनको सॉफ्ट फ्री लोन दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिहैबिलिटेट होगा बैक इन वैली। वो दूसरी बात, जो मेडिकल अलाउंस है, जो हमारे बुजुर्ग हैं इस कम्युनिटी में, हम उनके लिए अलग मेडिकल अलाउंस, जैसे कि भी आयुष्मान भारत कार्ड इशू हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चंक ऑफ माइग्रेंट्स हैं जिनको आज तक नहीं मिला है। क्या कारण है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इसकी तरफ ध्यान दें।